चाणक्य के समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है देशद्रोह कानून धारा 124A। तो चलिए देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है और उसके बाद इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं यह विषय चर्चा में क्यों है। हाल ही में दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान बहुत सारे लोगों ने कानून व्यवस्था का उल्लंघन किया और बहुत सारे लोगों पर एक्टिविस्ट पर देशद्रोह कानून के तहत मुकदमे दर्ज किए गए। उन सभी पर धारा 124A लगाई गई और इसी दौरान एक और बात भी हुई कि प्रवीण विधायक ग्रेटा थनबर्ग, उन्होंने एक टूल किट शेयर किया था और इस टूल किट को जिसने बनाया था वो भारत से संबंध रखती है। इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने बेंगलोर की दिशा रवि को गिरफ्तार किया है और उन पर भी यही मुकदमा लगाया गया है। तो इसी वजह से ये पूरा मसला अभी चर्चा में बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में विस्तार से कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसा आज तक का इतिहास रहा है, कहां से ये देशद्रोह कानून आता है और अभी वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता है। सबसे पहले बात करते हैं इस कानून की पृष्ठभूमि पर। ये कानून ब्रिटेन के रास्ते भारत में आया है। ब्रिटेन में ये कैसे आया, 17वीं शताब्दी की बात है। इंग्लैंड के अंदर सत्ता और सरकार दोनों के विरोध में बहुत सारे प्रदर्शन होने लगे थे। उन्हें रोकने के लिए 17वीं शताब्दी के अंदर इंग्लैंड के अंदर ये कानून यानी कि सिडेशन कानून, देशद्रोह कानून लाया गया था। यहीं से इसका रास्ता भारत की तरफ बनता है। यही कानून 1870 में, यानी कि अंग्रेज जब भारत में थे उस समय पर भारत के अंदर आया। 1860 के अंदर भारत के अंदर IPC यानी कि इंडियन पीनल कोड लागू होता है। उस समय ये कानून भारत में नहीं था। इंडियन पीनल कोड के अंदर संशोधन हुआ और 1870 में देशद्रोह कानून को इसमें जोड़ा गया। इस कानून के अंदर धारा 124A जोड़ी गई और इसी के तहत बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों पर मुकदमे भी उस समय किए गए। अंग्रेजों की खिलाफत करने वाले बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उनको गिरफ्तार भी किया गया था। उन्हें फांसी की सजाएं भी दी गई थी। अंग्रेजों द्वारा महात्मा गांधी से लेकर भगत सिंह पर ये कानून लगाया गया था, लेकिन जिस देश से ये कानून भारत में आया था उस देश में अब ये समाप्त हो चुका है। 2009 में इंग्लैंड ने इस कानून को अपने देश से समाप्त कर दिया, लेकिन भारत में ये अभी भी मौजूद है। IPC में धारा 124A की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ कुछ लिखता है, बोलता है या फिर ऐसी बातों का समर्थन भी करता है तो उसे उम्र कैद या 3 साल की सजा हो सकती है। भारत के अंदर समय समय पर 124A धारा पर सवाल भी उठते रहे हैं। होता क्या है कि जब भी इस तरह का कोई आंदोलन होता है या कोई मोर्चे निकलते हैं या इस तरह की गतिविधि होती है तो अचानक से लोगों पर देशद्रोह के कानून के तहत कार्रवाई की जाती है, लेकिन इस पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। सबसे मुख्य सवाल इसमें ये उठता है कि इसमें जिस मात्रा में गिरफ्तारियां होती हैं उसी अनुपात में दोष साबित नहीं हो पाता। तो इसके क्या कारण हैं? इसके मुख्यतः 2 कारण हैं। तो जिस अनुपात में गिरफ्तारियां होती हैं या कानून के तहत जिस अनुपात में केस दर्ज होते हैं उस अनुपात में दोष साबित नहीं हो पाते, ये एक प्रश्न है। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि इस धारा के तहत अब तक डाटा क्या कहते हैं कि कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और कितने लोगों पर दोष सिद्ध हुए हैं। केंद्रीय एजेंसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा के अनुसार 2014 से 2019 के बीच में 559 लोगों पर केस दर्ज हुए हैं और गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 10 लोगों पर जो है इसके तहत दोष सिद्ध हो सके हैं। तो इसके क्या कारण हैं? इसके मोटे मोटे 2 कारण हैं। पहला कारण इसका ये है कि इस तरह की जब गिरफ्तारियां होती हैं तो गिरफ्तारियां तो हो जाती हैं लेकिन सबूत के अभाव में उन लोगों को छोड़ना पड़ता है। और दूसरा इसका कारण ये है कि ये भी कहा जाता है कि जो गिरफ्तारियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में की जाती हैं। तो
तो ये मुख्य दो कारण हैं इसके, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। जब भी किसी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होता है तो उसको सजा देने के लिए उस दोष को साबित करना बहुत ज़रूरी होता है और दोष को साबित करने के लिए जो है सबूतों की आवश्यकता होती है। लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि देशद्रोह से संबंधित जो गतिविधियां होती हैं वो विदेशों में प्रायकर ज़्यादा होती हैं, विदेशों में ही वो गढ़ी जाती हैं और वहीं पे फलीभूत होके यहाँ पर इम्प्लीमेंट की जाती हैं, तो उनके सबूत जुटाना बहुत ही कठिन होता है। इसी वजह से लोग बहुत बार ऐसा होता है कि दोषी होते हुए भी निर्दोष साबित हो जाते हैं और वो छूट जाते हैं। इसका दूसरा कारण आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। दूसरा कारण यही बताया जाता है कि सरकार जल्दबाजी में देशद्रोह की धारा लगा देती है। देशद्रोह के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जब तक किसी बात से या किसी कमेंट से कानून व्यवस्था यानी कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ती है तब तक उसे देशद्रोही नहीं माना जा सकता है, या उस गतिविधि को देशद्रोह नहीं माना जा सकता है और उस व्यक्ति को देशद्रोही नहीं माना जा सकता है। तो ऐसे में सरकार को जो है इस तरह की एक्टिविटी या इस तरह के कानून के आधार पर कार्रवाई करने से बचना चाहिए, लेकिन इन सब चीज़ों को बहुत सारी जगहों पर नज़रअंदाज किया जाता है। तो ये दो मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से गिरफ्तारियां तो बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन उनके मुकाबले दोष बहुत कम लोगों पर सिद्ध होता है। अब इसमें एक डाटा ये भी कहा गया है, कहा जाता है कि भारत के अंदर टाडा और पोटा जैसे कानून थे, इन कानूनों की कन्विक्शन रेट बहुत ही कम थी और बाद में इन कानूनों को निरस्त करना पड़ा। उसी तरीके से उपा भी लाया गया है, इसका कन्विक्शन रेट भी बहुत कम है। तो इनका कन्विक्शन रेट कम होने के पीछे भी लगभग यही सारे कारण हैं और इन्हीं सभी कारणों की वजह से गिरफ्तारियां ज़्यादा होती हैं और लोग दोषी साबित नहीं हो पाते हैं। अब हम देखते हैं कि IPC की धारा 124A एग्जैक्टली है क्या। भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC की धारा 124A को ही राजद्रोह का कानून कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और ऐसी गतिविधियों को सार्वजनिक रूप से अंजाम देता है तो वह 124 के अधीन आ जाता है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है, ऐसी सामग्री का समर्थन करता है, राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ ही संविधान का अपमान करता है तो उसके खिलाफ IPC की धारा 124A के तहत राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो सकता है। ऐसा ही हमने अभी लाल किले पर भी देखा था 26 जनवरी के दौरान। इन सारी गतिविधियों में लेख लिखना, पोस्टर बनाना, कार्टून बनाना जैसे कार्य भी शामिल होते हैं। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर अपराधी को 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। तो इस टॉपिक के बारे में जितना भी भूत, भविष्य और वर्तमान था सब पर हमने बात कर ली, कम से कम शब्दों में, कम से कम समय में। अब देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, IPC की धारा 124A से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, यही कानून 1770 में अंग्रेजों के जरिए भारत आया है। कथन दो, इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर अपराधी को 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। उपरोक्त में से सत्य कथन पूछा गया है। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना एक ना ही दो। कमेंट सेक्शन में आप अपने उत्तर अवश्य दीजिएगा, आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। अब देखते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न को। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प डी, यानी कि संदेश ऐप से संबंधित तीनों कथन सत्य हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।